कोई नया नहीं है, ठीक है? नहीं सर, नितेश। हाँ प्रद्युम्न। हाँ नितेश है, प्रद्युम्न है, और कौन है? हाँ अंजलि थी बस, और कोई नहीं है। चलिए अब देखेंगे, नितेश है और प्रद्युम्न है, ये मेरे भाई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से परेशान नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। और अंजलि जी को भी आप जान ही रहे हैं, ठीक। अब देखिए हमने क्या बताया, बाएं से अठारहवा, तो बाएं से अठारहवा लिखना, तो कैसे लिखेंगे ना, बाएं से अठारह लिखेंगे, आर आर आर, बिल्कुल आर लिखेंगे। अगर पूछा जाए बाएं से चौबीस, तो ये ऐसे ये लिखेंगे और ये चौबीस, अच्छा ये लिखेंगे, यस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बनेगा, ठीक है जी सर, एक्स। हाँ एक्स बनेगा, ठीक है। अच्छा अभी बने कि अब राइट से चलते हैं, अब राइट से एक और देख लेते हैं, बाएं से दसवां जी, या जी जी जे 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 जे। अच्छा बाएं से सातवां बनता है जी, बाएं से सातवां जी, बाएं से सातवां, ठीक जी, बाएं से सातवां हमारा जी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको कंफर्म आना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे है, तो आसान हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। वो भी कर रहा हूँ। अब देखेंगे, अगर आपसे पूछे राइट से, ठीक है, अगर आपसे पूछे राइट से, तब क्या करेंगे, अगर वो पूछे कि राइट से, एक मिनट, राइट से पूछे तो आर लिखेंगे, ठीक है, राइट से पूछे तो आर लिखेंगे। अगर पूछे राइट से पहला, तो क्या कौन सा आंसर होगा हमारा, जेड होगा। इसको हाँ, इसको कैसे निकालेंगे, तो यदि राइट से दे दे और वैल्यू आपको निकालना हो, 27 में से उसकी ओरिजिनल संख्या घटा देंगे तो आराम से निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, तो देखिए जब राइट से पूछे, राइट से पूछे, पहला पूछ रहा ना राइट से, तो आपको करना क्या है, पहले तो 27 में से, जब राइट से पूछ दे तो आपको ओरिजिनल नंबर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से उसको घटाना पड़ेगा। तो 27 में से किससे घटाएंगे, जो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, एक दिया है ना, एक को घटा लेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 26। यानी कि राइट फर्स्ट जो है, राइट फर्स्ट क्या बन गया, लेफ्ट से 26 बन गया, राइट फर्स्ट जो है लेफ्ट से 26 के बराबर है, बात समझ गए जी, यानी कि राइट फर्स्ट बराबर लेफ्ट 26, बात समझ गए जी, राइट फर्स्ट बराबर लेफ्ट 26, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड आएगा, जेड जेड आ जाएगा, ठीक है। यानी राइट को लेफ्ट में कैसे बदलेंगे, राइट को जब लेफ्ट में बदलना होगा, जब राइट से वैल्यू दिया हो उसको हमने को लेफ्ट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, घटाएंगे, ठीक है। जैसे आगे देखिए, आगे देखिए, अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि राइट यानी कि दाएं से 18, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेफ्ट से 27 माइनस 18, ये लिखेंगे ना, लेफ्ट 27 माइनस 18 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 9 आएगा, क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट से 9, और लेफ्ट से 9 की वैल्यू क्या होती है, आई होगा ना, आई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आई बताएंगे अब, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। फिर पूछे, अगर आपसे पूछे कि राइट से बीस, ठीक है, सेवन, राइट से बीस मतलब जेड के यहाँ से शुरू करना है और 20 नंबर पे जाना है, तो अब उल्टा कौन गिन पाएगा, नहीं गिन पाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, सीधा कर लेते हैं, तो 27 में से 20 गया, तो कितना बचेगा, सेवन, जी, यानी कि यल 7 हो जाएगा, और यल 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हो जाएगा, जी,
एल सेवन की वैल्यू क्या बनेगी, जी बनेगा जी। आर बीस का, आर बीस का जो मान बना हमारा जी बन गया, ठीक है। आर बीस का मान जो है जी बन गया। अब प्रश्न क्या करता है, प्रश्न ऐसे पूछता है, प्रश्न पूछता है कि वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के बाएं 25वें अक्षर, ऐसे मतलब प्रश्न बनता है। तो कभी बाएं कहेगा, कभी दाएं से कहेगा, कभी बाएं से कहेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अब इसको इस टाइप से हल कैसे करेंगे, तो यहाँ हमको यही आर और यल दो ही सहारा है, ठीक है। जब दाएं कहेगा तो आर लिखेंगे, जब बाएं कहेगा तो यल लिखेंगे, जब जब दाएं कहेगा आर लिखते रहेंगे, और जब जब बाएं कहेगा हम यल लिखते रहेंगे, ठीक है। और जितना कहेगा उसकी संख्या वहां पे हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब रूल क्या है, इसको हल कैसे करेंगे, अब तो हमको पता चल गया कि राइट को आर लिखेंगे और लेफ्ट को यल लिखेंगे, लेकिन अब इसके हल कैसे करेंगे, तो एक और रूल समझ लीजिए, एक और रूल। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो जब जब सेम वैरायटी के हो जाएंगे, ध्यान देना, अब इनको जोड़ना घटाना होता है, ठीक है, इनको जोड़ना घटाना होता है, तो कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, दो ही काम करना होता है, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, ठीक है। तो देखना जब इस टाइप से रहेगा, जब दोनों विपरीत आ जाएंगे, ठीक है, एक यल आ गया और एक आर आ गया, एक यल आ गया एक आर आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। जब दोनों दो तरीके के होंगे तो उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है, बात समझ गए जी। तो हम जोड़ करके आंसर बताएंगे, जब कह दे कि बाएं से पांचवा, ठीक है, के दाहिने छठवा, तो दोनों को हम जोड़ करके बताएंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके आंसर बताएंगे, तो जोड़ेंगे यानी कि एक दाया हो गया एक बाया हो गया, तो हम जोड़ेंगे यानी एक लेफ्ट आएगा यल आ जाएगा एक आर आ जाएगा, हम इसको क्या कर देंगे एट कर देंगे, ठीक है। या फिर पहले आर आ जाए और बाद में यल आ जाए तो भी कोई बात नहीं, हम एड ही करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों सेम आएंगे तो क्या करेंगे, जब दोनों सेम आ जाएंगे तो मान लो दोनों आर आर आ गए, तब हम इनको घटाएंगे, तब इनको जोड़ करके आंसर नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे घटा करके आंसर करेंगे, ठीक है, घटा करके। अगर दोनों यल यल आ गए, दोनों यल यल आ गए तो क्या करेंगे, तो भी हम इसको घटाएंगे, तो भी घटाएंगे, ठीक है, दोनों यल यल आ जाएंगे, यानी जब जब सेम आएंगे तो हम इनको घटाएंगे, और जब सेम नहीं रहेंगे हम उनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो ये भी सिंबल आप बना लीजिए, साइन बना लीजिए और नोट लिख लीजिए, नोट, ठीक है, नोट नोट लिखेंगे, नोट करके इसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए कि यल और यल, ठीक है, यल और आर, पहला वाला लिखेंगे यल और एरो देके आर, मतलब यल आ गया और आर आ गया, तो क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो एड करेंगे, ठीक है, प्लस करना है। फिर आर और यल आ गया, पहले आर आ गया कोई बात नहीं, यल आ गया तो इसको भी आपको क्या करना है प्लस करना है। आर और आर आ गया तो क्या करना है, दोनों सेम हो गया तो आपको क्या करना है, तो माइनस करना है। और दोनों यल यल आ गए यानी दोनों बाएं से पूछ दिया तो भी आपको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है, तो भी आपको माइनस करना है। अब क्या करना है, अब देखिए जो अब इनको जोड़ते हैं, अब हम आपसे पूछें कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अब हमको तो पता हो गया ना कि ये इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर यल और आर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि ये यल है ये आर है तो जोड़ने पे क्या बनेगा, बाएं से बनेगा कि दाएं से बनेगा, तो ध्यान देना जो पहले होगा वही वाला बनेगा जोड़ने पे, ठीक है, यानी यल और आर को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यल में ही आंसर आएगा, जोड़ करके आएगा, ठीक है, बात समझ गए, यल और आर को जब ये पता हो गया ना जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो जोड़ने की जो वैल्यू आएगी 18,000-20,000 जोड़ने पे, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, आर आर से लिखेंगे, आर लगा के लिखेंगे या यल लगा के लिखेंगे, तो हम जो आगे रहेगा उसी को लगा के लिखेंगे, क्लियर है, जो आगे रहेगा उसी को लगा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर है तो इसको लगा के लिखेंगे, यहाँ पे आंसर जोड़ने पे आर आएगा, ठीक है। अब देखे यहाँ पे आर है तो घटाने पर भी यहाँ आर ही आएगा, और यहाँ यल है तो भी घटाने पे क्या आएगा, यल ही आएगा। अब जैसे उदाहरण स्वरूप में देख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। अब चलिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पांच है, ठीक है,
यहाँ पे पांच है और यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, छह है। अब हमको पता है ना कि ये यल है, ये आर है, तो एड होगा, जुटेगा, क्योंकि अलग अलग है, तो जुड़ने के बाद क्या आ जाएगा, छह पांच ग्यारह, यानी कि यल ग्यारह, यानी ठीक है, यल ग्यारह इलेवन, ऐसे बन जाएगा। अब हमको, अब देखिए सवाल, देखिए सवाल इसी पे बन गया, सवाल बन गया पहला वाला, देखिए बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें के दाहिने छठे कौन सा अक्षर आएगा, देखिए बाएं से पांचवें के दाहिने छठे कौन सा अक्षर आएगा, तो हमने वही लिखा है ना, बाएं से पांचवा के दाहिने छठवा कौन सा अक्षर आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो बाएं से ग्यारहवा आएगा, ठीक है, बाएं से कौन आएगा, ग्यारहवा आएगा, क्लियर है, तो ग्यारहवा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा ना, के, जी सर, एक मिनट, बड़ी समस्या है, ठीक है, हमने लिखा था यल पांच और यहाँ क्या लिखा था, आर छ और यहाँ आएगा हमारा एल ग्यारह, इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, के, ठीक है, क्या जाएगा, तो ऐसे आपको एड करना है। अगर हम कह दें कि वर्णमाला में दाहिने से बारहवा, दाहिने से बारहवा, ठीक है, दाहिने से बारहवा के, दाहिने से बारहवा के, दाहिने के, दाहिने, ये प्लस का सिंबल नहीं लगेगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे तो पहले डिसाइड हो जाएगा ना कि इसको जोड़ना ही है, ठीक है, एरो लगाइए, यहाँ पे एरो करिए, ठीक है, अब देखिए बाएं से, सॉरी दाहिने से बारहवा के दाहिने छठा के बाएं, के बाएं, बाएं मतलब समझ गया, बाएं साइड के बाएं चौबीसवा कौन सा अक्षर आएगा, अगर आपसे पूछे कौन सा अक्षर आएगा तो कौन सा बताएंगे, आएगा, तो इसको देखिए, इसको घटाएंगे, तीन आएगा, तीन आएगा, चौबीस और छह कितना हो जाएगा, चौबीस छह कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा ना, अब देखिए, अब मैं हल करेंगे, इन दोनों को करेंगे घटाएंगे ना, यहाँ आ जाएगा आर सिक्स और यहाँ क्या बनेगा, चौबीस बनेगा, अब ये दोनों तो जुड़ेंगे, यल थर्टी हो जाएगा, यल थर्टी तो होता ही नहीं है, आपको पता है ना, बाएं से, बाएं से अगर हम काउंट करते चले जाएं, बाएं से काउंट करते चले जाएं तो थर्टी तो होगा ही नहीं, जी बात समझ गए, तो थर्टी नहीं होगा, तो फिर तो एक राउंड मार के फिर दूसरे राउंड पे आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ गए ना, तो सत्ताईस खत्म कर देंगे, सत्ताईस इसमें से निकाल दीजिए, एक राउंड हो गया, दूसरे राउंड पे फिर चलेंगे, तो सत्ताईस निकालेंगे तो कितना बचेगा, नहीं सत्ताईस नहीं, छब्बीस, ठीक है, छब्बीस होते हैं ना, छब्बीस निकालेंगे, तो छब्बीस वाले एक राउंड निकाल देंगे तो बचेगा चार, यानी कि डी आ जाएगा ना, यानी कि फिर यल से यल चौथा बचेगा, एक राउंड होने के बाद यल चौथा बचेगा, तो हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे, अरे तीस कोई नंबर होगा ही नहीं, छब्बीस से ज्यादा होता ही नहीं है, ठीक है, बात समझ गया ना, छब्बीस से कोई ज्यादा होता नहीं है, अगर हमारा वैल्यू ज्यादा आ गया तो समझ लीजिए कि दूसरा राउंड शुरू कर देना है, ठीक है, इसलिए दिया था कि जब वैल्यू हमारा अधिक होगा तो क्या करेंगे, फिर जो है दूसरा राउंड शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक राउंड खत्म कर देंगे, मान लेंगे छब्बीस खत्म हो गया, फिर जो बचा फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए एक प्रश्न आसान था, अब इस टाइप के प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं पूछने वाले, अब ज्यादा तो प्रश्न बन ही नहीं रहे हैं तो कितना पूछेगा, ठीक है, तो ही चार पांच छह यही पूछते हैं, दस पूछ लेते हैं, तो दस रीजनिंग से पूछते हैं तो कोई जोर नहीं कि यहीं से पूछेगा, ठीक है, बहुत टॉपिक है, अब कौन वाला पूछ सकता है, अब देखिए एक सवाल, अरे सर जो मेन है जैसे, हाँ लेकिन लेकिन कहने का मतलब हमें तो जानना है, हमें तो जानना है, पता नहीं यही पूछ ले छोटा सा प्रश्न बना के, ठीक है, अगर न जानते रहेंगे तो फिर पता चले कि नहीं आ, वैसे आता है ब्लड रिलेशन से आता है, उसके बाद न्याय वाला से आता है, ठीक है, डायरेक्शन से भी आता है, डायरेक्शन से भी आता है, बिल्कुल डायरेक्शन से तो हमेशा आता है, ठीक है, तो थोड़ा मैथ से है, मैथ आप लोगों को थोड़ा बना लेंगे तब, ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत इजी वाला रखा जो आसानी से पहले पकड़ ले, पहला
चैप्टर, ठीक है, जो आसानी से क्या हो जाए पकड़ा जा सके, तब धीरे धीरे तब पकड़ते हैं, एक पहले ही लगा दिए होते तो थोड़ा कठिनाई होता, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते लिखिए इसको और लगा के बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सत्रहवें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सत्रहवें, सत्रहवें बाएं से सत्रहवें अक्षर के दाहिने, अक्षर के दाहिने आठवें अक्षर के बाएं, दाहिने आठवें अक्षर के बाएं, आठवें अक्षर के बाएं इक्कीसवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले कहा गया है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सत्रहवें के दाहिने आठवें, ठीक है, के दाहिने आठवें और के बाएं इक्कीसवां, इक्कीसवां अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है, प्रश्न तो यही बना ना, अक्षर कौन सा होगा। डी होगा। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यल 25 हो जाएगा, 17, 8, 25 और यल यहाँ पे 21। अब देखिए दोनों एक कैटेगरी के होंगे, यहाँ भी यल यहाँ भी यल, यदि यल यदि यल तो घटेगा ना, तब हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यल 4 आ जाएगा, 25-21 हाँ तो 4 आ जाएगा, और 4 का मान क्या रहता है, डी आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों के पास रीजनिंग होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पहले याद कर लीजिएगा वर्णमाला, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो और जरूरत पड़ेगी, बात समझ रहे हैं, यहाँ तो थोड़ा कम है लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना जी। हाँ तो यहाँ भी आपको जानना है और वहां पे जानना है, कोडिंग डिकोडिंग में भी। तो और हेडिंग डाल लेंगे आज का, मतलब अब पहला वाला जो हमने पूछने का जो प्रश्न पूछने का जो प्रकार डाले थे, यूजुअल या वास्तविक या रियल नंबर, जो भी है, रियल नंबर नहीं वास्तविक लिख लीजिए, ठीक है, वास्तविक यूजुअल लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमको जो है यानी कि जैसे जैसे वर्णमाला रहता है उसी पर आधारित प्रश्न, कोई छेड़छाड़ वर्णमाला को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे रहता है उसी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया था, जैसे है उसी पर आधारित ये प्रश्न है, जब उसको उल्टा करेंगे चाहे उसमें बदलाव करेंगे तब उस पर जो है प्रश्न हमारा क्या होगा, बदलेगा, ठीक है, रूल बदलेगा, बात समझ गए। तो हम इसके आगे कल देखेंगे, कल से जो है इसको पूरा करेंगे, ठीक है जी। अब जो है हमको जो टॉपिक देखना है, टॉपिक है हमारा मैथ का कुछ देखना है, हाँ पॉलिटी का भी देखना है, बिल्कुल भारतीय राज व्यवस्था इसमें होता क्या है इसको हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले कुछ मैथ देख लेते हैं क्योंकि मैथ भी हमारा टर्म है, तो मैथ भी देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे थोड़ा सा। आज शुरुआत है, ठीक है, और लिखावट तो समझ में आ रही है, वैसे बड़े बड़े लिख रहा हूँ, ठीक है जी सर जी। अब देखेंगे चैप्टर जो होगा बिल्कुल आसान से शुरू करेंगे और आसान से होते होते हम लोग कठिन की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है जिसको जोड़ घटाना बोलते हैं, प्रश्न कभी पूछ लेता है उसको जोड़िए उसको घटाइए, बहुत आसान सा रहता है प्रश्न, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है, तो जोड़ घटाना तो सभी को आता है, प्रश्न रखते हैं जोड़ घटाना का ही देखते हैं,
क्योंकि जोड़ घटाना भी तो आना चाहिए, जोड़ घटाना और गुणा और भाग, इतनी चीजें आएगा तभी सवाल हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, स्टेप पहला है कि पहले हमको जोड़ना सीखना है, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ गए? तो सवाल हम लिख रहे हैं, आप लोग जोड़ेंगे तुरंत। जैसे देखिए, चार छः दो नौ तीन एंड प्लस, ये प्लस है, ठीक है, प्लस तीन चार पाँच चार और आठ, उसके बाद प्लस, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं सर। तो इतने में कौन चार पाँच छ, ठीक है, दो चार पाँच छ, और एक और अंक ले लीजिए, चार आठ और नौ, चार आठ नौ। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे जोड़ेंगे। हाँ, इसको इसको ऐसे ही लिखा मिलेगा, ऊपर नीचे नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ऐसे ही लाइन में रहेगा। यही आया ना जी? जी सर, ठीक है। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, आप ये इसको उठाइए, इसमें ले जाइए, इसको उठाइए, इसमें ले जाइए, और फिर इसमें ला दीजिए, ठीक है। लास्ट वाले को सभी का लास्ट वाला सेट करेंगे, फिर लास्ट से दूसरे वाले को, इससे फिर दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले से, इस तरह से। ये जोड़ आपको पता है ऐसे ही दे देता है, पर इतना सिंपल नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जोड़ना है, तो जोड़ आपका अच्छा है, जोड़ में कोई समस्या नहीं। अब घटाना देख लेते हैं, अब घटाना, घटाना भी ऐसे ही आएगा, वो लाइन से अगर लिख देगा तो लाइन से ही देगा, ठीक है। कैसे देगा, अब ये देखते हैं, 9824 और 2435 और प्लस, इसमें बीच में जोड़ भी हो सकता है, 04 और 7 और माइनस 2872, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तीन गए आठ, सत्रह चार गए तीन, तीन नौ दो गए सात, कितना आएगा, 13308 फिर से ज्वाइन हो जाइए। और सभी लोगों के हाथ तो दिख रहा है, तीन
जी सर जी यही आ रहा है, यही आ रहा है सर, यही है। ठीक ठीक जी सर। अब इसको करते कैसे हैं, कैसे करेंगे? इसको इसमें से घटा लेंगे। हाँ इसमें से इसको घटा लेंगे, ऐड कर देंगे। जी सर। ऐड करने का काम बाद में कर लीजिए, कोई बात नहीं है। इसको इसमें से, इसको इसमें से, इस तरह से घटा लेंगे तो 14 में से 5 गया तो आप लिखेंगे कि 9। फिर यहाँ के लिखेंगे 11 में से 3 गया तो क्या लिखेंगे? 8। फिर यहाँ के लिखेंगे 8 में से 4 गया, यहाँ तो हासिल लिया है ना एक, तो 8 तो होगा नहीं, एक दिया है ना इसको, तो यहाँ तो 7 ही बचा होगा, तो 7 में से 4 गया तो आप 3 लिखेंगे। और यहाँ के अब ये हासिल नहीं लिया है तो यहाँ 9 में से 2 गया, यानी कि ये वैल्यू बनी 7, 8, 9, यानी 7389। अब इसको देख लेते हैं कितना बना, तो यहाँ देख लिए 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 बना होगा, यहाँ 14 में से 7 गया तो 8 बना होगा, नहीं सॉरी, हाँ 7 बना होगा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचा होगा, यहाँ 9 बचा होगा, बात समझ गया ना? जी जी। चार को, हाँ चार को जरूरत पड़ी तो इसने लिया, तो 0 है तो 0 वाला कहाँ से देगा, तो 0 वाला अपने पड़ोसी से मांग के दे दिया। ठीक है जी सर, इसके पास 9 बचा, ये एक ठीक है, और यहाँ 2, ये 2 बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी 1, 7, 5 ही बचेगा। ठीक है जी, कितना बचेगा, इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या बचेगा, 9, 5, 14 आ गया, 13, अरे क्या 8, 7, 15, और इसका एक हासिल बचा होगा तो 6 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 हासिल बचा तो क्या होगा, 5 हो गया होगा। ठीक है, और क्या बचा, ठीक है 7 को कहीं जोड़ना ही नहीं है तो 7 यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, 9, 5, 14, 8, 7, 15, 16 हो गया, और 3 और 3 में 1 जोड़ दिया, 4 और 1 हासिल भी है तो 5 हो गया, और इसके बाद क्या है, 7 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे 0 तो 8, तो जोड़ घटाना भी आपका सही है। ठीक है, जोड़ भी सही हो गया, आपका घटाना भी सही है। ठीक है, आप समझ गए। अब थोड़ा सा इसको जल्दी कैसे, थोड़ा पॉइंट में देख लेते हैं, पॉइंट में बात समझ गया ना, पॉइंट वाला भी आपका देख लेते हैं। तो पॉइंट में रहेगा तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये तो ठीक है, ये तो पॉइंट में नहीं है। ठीक है, अगर पॉइंट में दे देगा वैल्यू तो आप कैसे करेंगे, तो एक और सवाल बनता है, इसको आप थोड़ा लगा के दीजिए, ऐसे प्रश्न आता है, देखिएगा पॉइंट में नहीं है ये, 5, 6, 2, 9 और माइनस करेगा और लिखेगा 3, 3, 4, 6 और यहाँ प्लस करेगा और यहाँ वैल्यू रख देगा और फिर बराबर करेगा और यहाँ वैल्यू दिया रहेगा 7, 3, 5, 9। अब कहेगा कि आप ये बताइए, ये प्रश्नवाचक जो है इसकी जगह पे क्या आएगा, ऐसे भी प्रश्न बनाता है। हाँ सर, हाँ तो इसको घटा के इसे घटा देंगे निकल आएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, आप लोग बताएंगे कैसे इसको हल करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, सर बता रहे। अब विकल्प, विकल्प चूंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो विकल्प देते, विकल्प से आसान हो जाता है, जब विकल्प रहेगा तो बहुत आसान हो जाता है। सर 2 के बाद जो खाली है वहाँ बताना है, 2 2 कहाँ खाली है, ये प्रश्नवाचक है, 2 नहीं है, आप लोगों को 2 लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी सर, एक मिनट, प्लस प्लस आएगा सर, 2, 2, 8, 3। हाँ अभी देखिए, 5, 6, 2, 9 ये हो गया 5, 6, 2, 9, अरे क्या है 3, 3, 4, 6 खाली स्थान है, कितना पचास छिहत्तर। ठीक, अब इसको सब लोग कर ले, सब लोग कर ले, देखिए 50-76 सभी लोगों का आता है। कैसे इसको करेंगे, माइनस करके इस वाले जो तो, इक्वल के बगल साइन नंबर है उसे घटा दिए हैं, फिर उसको माना गया है। हाँ तो देखिए एक चीज और देख लीजिए, ये तो ठीक है, हो गया आपका। जैसे हम कहें कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे पी है, तो देखिए इधर का जो वैल्यू है जब इस साइड उसको लाते हैं, ठीक है, आसान करने के लिए ये भी आपको जाना जरूरी है, तो इधर देखिए ये प्लस होता है ना, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस होता है, तो इधर आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इधर जुड़ रहा है तो इधर क्या होगा, घटेगा। ठीक है,
ये भी इधर आएगा तो क्या होगा, इस साइड अगर लाएंगे तो घटेगा, ठीक है। ये बराबर से इस साइड की वैल्यू है दूसरे साइड की, और ये बराबर से दूसरे साइड की वैल्यू है। तो जब एक साइड से दूसरे साइड जब हम एक्सचेंज करते हैं यानी ले जाते हैं, तो हमको चिन्ह बदलना पड़ता है। बात समझ गए, चिन्ह क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो वैसे कर सकते हैं, आया सभी लोगों को, आ गया ये, नहीं आया तो बताएंगे। नहीं आया, पहले इसको क्या करिए, पहले इसको घटा लीजिए, कम से कम इसको तो घटा लीजिए, इतना तो बता दिए। हाँ घटा लिए होंगे जी सर, बिल्कुल बिल्कुल घटा लिए होंगे। और जो आया उसको ले जाइए इस साइड, इसके पीछे ले जा करके लगा दीजिए, और इधर प्लस में आया होगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, ये घटा होगा तो कितना आया, 50-70 ये आया होगा ना, ऐसे 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, और 5 में से, और यहाँ भी 5 है, ये भी आ गया 2, यही आया होगा। और क्या आया होगा, यहाँ प्रश्नवाचक आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 7, 3, 5, 9 आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको क्या करेंगे, प्रश्नवाचक को यहीं छोड़ दीजिए, इसको ले जाइए इधर, 7, 3, 5, 9, उसके बाद 2, 2, 8, 3, ठीक है। अब ये वैल्यू अब घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं जी। तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया, अब आंसर देखिए क्या आएगा, 9 में से 3 गया 6, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ क्या है, 12 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 2 ही है, तो 2 में से 2 गया तो यहाँ 0, और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, यानी प्रश्नवाचक के बराबर में क्या आ गया, 50-76 आ गया। 76 तो करना कुछ नहीं है, इसको पहले हमने हल किया, जो आया उसको उस साइड ले जाकर के क्या कर देगा, इधर प्लस में आएगा ना, उधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घट गया इधर, वैल्यू आ गई 50-76, ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंट वाला एक देखते हैं, पॉइंट में आपको जोड़ना है, वो भी थोड़ा चेक कर ले, स्पीड आ जाएगी, बस आपको रूल पता रहेगा, स्पीड आने लगेगी, फर्स्ट है ना, हिंदी वालों का तो कमजोर होता ही है, मुझे पता है, जो लोग हिंदी से रहते हैं वो कहाँ मैथ पढ़ते हैं कभी, तो इसलिए थोड़ा कमजोर होता है। और ऐसा भी प्रश्न बन जाते हैं इसी टाइप के, जी, अब देखेंगे, एक सवाल है छोटा सा, यहाँ पे लिखा रहेगा 2.8428 प्लस 3.2 प्लस 291.29 प्लस 1.4, ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा, जोड़ दीजिए, 324.218। और लोग देख लें क्या इतना आ रहा है, मेरा
324.318 नहीं बोलते हैं, 318 बोलते हैं, ठीक है। दशमलव के दाहिने साइड की जो वैल्यू होती है उसको हम एक एक वर्ड बोलते हैं, ठीक है, एक एक अंक। इधर का, इधर का ऐसे बोलते हैं 324.318, ठीक है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। आप पॉइंट वाला जी जोड़ ले रहे हैं, अब कैसे जोड़ते हैं ये भी थोड़ा और किसी लोग को डाउट आ गया तो वो देख लीजिए। जैसे इसको आपको जोड़ना है, इसमें ना कैसे जोड़े होंगे, ऐसे जोड़े होंगे 28.428 और यहाँ क्या लिखे होंगे 3.2। यहाँ दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2, अब इसके नीचे कुछ आ ही नहीं रहा है तो यहाँ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। वो समझ लीजिए कि उसके आगे 0 है, वो 0 रहता है, ठीक है, 0 तो इसके पीछे कितना हो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर पीछे 0 बनाना आसान है, ठीक है, और इधर आगे 0 बना सकते हैं, इसके पीछे 3 के पीछे 0 नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना, ये अंक के आगे तो 0 कितना हो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए, उसका कोई मतलब होता नहीं। और दशमलव के पीछे कितना जीरो बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसका भी कोई नहीं मतलब, ये तो हमने बनाया बस एड करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब अंक पूरा नहीं होता है दशमलव के पीछे तो हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं जीरो, ठीक है, जीरो बढ़ा के उसको पूरा कर लेते हैं जी। अच्छी बात है, अब इसको आप जोड़ लिए होंगे तो ऐसे जोड़े होंगे, 8 किए 2 किए 6 किए, ठीक है, 11 किए और यहाँ क्या कर लीजिए ऐसे किए, और दशमलव के जहाँ दशमलव था वहां दशमलव भी लगा लीजिए, आपने जोड़ लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही सभी को जोड़ना था, जहाँ दशमलव कमी हो दशमलव, जहाँ जीरो की कमी हो या अंक की कमी हो वहाँ अंक हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा करके कर लेते हैं, माइंड में कर लेना है, कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, माइंड में भी आप सोच लेंगे कि हाँ मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए दशमलव के, अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या कहा था उधर जोड़ते थे, तो देखिए इसमें का पाला उठाते थे तो सोच रहे होंगे कि इसके पाले में जोड़ देंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसा नहीं जुटेगा। ये दशमलव के ठीक जो पीछे है, दशमलव के ठीक जो पीछे यानी 4, वो दशमलव के ठीक पीछे वाला से जुड़ेगा, बात समझ गए जी सर। एक मिनट, ये कहाँ चला गया, फिर से देखेंगे, अभी अंक भूल गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे, मैं कोई अंक लिख देता हूँ, ऐसे करना है और यहाँ पे ऐसे, तो ये देखिए ये दशमलव के जो ठीक पीछे है वही जाके दशमलव के ठीक पीछे जुड़ेगा, और ये किससे जुड़ेगा, तो ये इसके पीछे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 0 है, और ये कहाँ जुड़ेगा, तो दशमलव से तीसरे अंक पे है ना, तो दशमलव से तीसरे वाले अंक से जुड़ेगा, ठीक है, ऐसा है, इधर नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं 0 है वो उसी में जाके जुड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसको यहाँ जुड़ेंगे, लेकिन आगे वाला को देखिए, अब आगे वाले में दशमलव से जो आगे हैं तो आप सोचेंगे कि 4 को ले जाके इसमें जोड़ दें, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, तो दशमलव के जो ठीक आगे है तो ठीक आगे वाले से जोड़ेंगे इसको, ठीक है, यानी ये इसमें जुड़ेगा 4 में नहीं जुड़ेगा, और 4 किस में जुड़ेगा, तो इसके आगे जो 0 होगा उसमें जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे करते हैं, चलिए ठीक है, दशमलव वाला भी आपका सही है, ठीक है। अच्छा और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, अच्छा दशमलव में जो यदि हमको कुछ घटाना हो तो कैसे करेंगे उसका देख लेते हैं, एक सवाल देखिए, जो दशमलव में हो और घटाना हो, 4.2848 और माइनस, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे कि बड़ा इजी है, इजी से ही टफ हो जाता है। अब देखें इसकी वैल्यू आपको बताना है, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है, ये क्या है जी, प्रश्नवाचक है, यहाँ वैल्यू आपको पुट करना है, क्या होगा यहाँ पे वैल्यू, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक
सर 296.852 छियानवे 96 नहीं सही नहीं आया सही नहीं है सर देखते हैं सर नहीं सही नहीं है कितना 296.768 296 आएगा चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे अब आप लोग देखेंगे ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे हाँ बोल दीजिए 660.108 कितना 660.108 पीछे का तो सही है पर ये सही करिए ये सही नहीं है 660 नहीं होगा सर 560 होगा सर 560.108 अभी 560 नहीं होना चाहिए 560 नहीं होगा फिर करेंगे सर 560 ही आ रहा है 560 आ रहा है अच्छा हो सकता है तब देख लेता है चलिए कोई बात नहीं देख लेते हैं इनका कह रहा है कि 560 आ रहा है तो देखते हैं 560 आ रहा है चलिए कैसे लगाएंगे इसको ये देख लेते हैं पहले आपको क्या करना है इसको हल कर लीजिए तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा तो देखिए बड़ी वैल्यू क्या है यही ना है पीछे वाली वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो बड़ी वैल्यू में से घटेगा जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है ठीक है ना जी सर तो इसमें से घटेगा तो इसी का चिन्ह लगेगा तो सिंबल हमने लगा लिया माइनस अब देखिए आठ में से जीरो घटेगा तो आठ ही रह जाएगा थोड़ा मैं जगह लेके लिखता हूँ आठ ही रह जाएगा और दो के नीचे भी कोई अंक नहीं है तो ये भी आसानी से आ जाएगा दो रह जाएगा लेकिन अब तीन के लिए तो सात घटाना है तो कैसे घटेगा अब हासिल हमको लेना पड़ेगा ठीक है तो 13 ठीक है अब हमको पॉइंट लगाना है यहाँ पॉइंट लगा ठीक है अब यहाँ पे क्या बचा होगा चार बचा होगा चार में से तीन तो एक अब यहाँ क्या बचा ग्यारह बचा ग्यारह में से आठ गया तीन और यहाँ पे एक बचा होगा यही बचा जी एक बचा सिंबल हमारा माइनस रहेगा जी सर सर यही माइनस हमारा अंतर हो गया मेरा हम माइनस कर दिए हाँ तो यही तो ध्यान नहीं दिए हैं आप लोग ये माइनस रहेगा बस हो गया अब इसको क्या करना है इसको क्या करना है अब इसको इस साइड जब लेके आएंगे तो ये माइनस ही तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना अच्छा जब ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा यानी कि 428.48 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस बनेगा यानी 131.628 और ये माइनस में है ये देखिए ये माइनस में है ना इसको उस साइड ले जाएंगे बराबर से उस साइड कर देंगे उसको तो प्लस में हो जाएगा ना उधर जाके अच्छा जी इसको उधर कर देंगे प्लस में हो जाएगा इधर वाली उधर से इधर कर दीजिए अंक को और इसको उधर कर दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा अब ये जोड़ दीजिए कितना आ रहा है आठ और दो दस छह चौदह से ग्यारह एक जीरो पाँच
560.108 अच्छा 560 आ रहा है जी। देखिए 8816 ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ 8816 आ गया? नहीं सर, 8816 कैसे, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट, 8 आएगा ना पहले, 8 आएगा। हाँ, ठीक, तो 8 आ गया। हाँ ठीक, और 8 और 2 10 हो गया। 10 ठीक है, अच्छा अच्छा 10 और 1 11 हो गया। हाँ, एक बचा, एक बचा पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, तो 8 और 1 9 9 9 1 10 और 1 10 ठीक है। अरे आ गया, आ गया, तो 3 2 5 1 6 3 5 1 6 ठीक है, कोई बात नहीं। और 4 और 1 5 हाँ ठीक है, इतना ही आएगा ठीक है। तो 560.108 बिल्कुल इतना ही आंसर सही होगा ठीक है। आपको करना यही, इसी तरीके से आपको लगाना है कि आपको देखना है कि माइनस प्लस छोड़ना नहीं है, जो माइनस की वैल्यू बन रही तो माइनस में, प्लस की वैल्यू बन रही तो प्लस में ठीक है, नहीं तो सॉल्व क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगे। बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का जो सिंबल होगा वो सिंबल हमेशा लगा रहेगा ठीक है, जिसमें से घटेगा जिसमें जोड़ा जाएगा, तो इसी में से घट रहा है ना, ये बड़ी वैल्यू है हमारी, इसी का सिंबल यहाँ आएगा ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे जोड़ सही है, अब आप सिंबल पे ध्यान देना है ठीक है, जोड़ घटाना भी सही है, सिंबल पे आपको ध्यान देना है। और देख लेते हैं एक सवाल, देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको देखिए, ये तो शायद सर यूपी टेट की सुपर था ये पेपर क्वेश्चन। हाँ कहीं आया हुआ है, किसी को ऐड करना है, आपको बताना है कितना आएगा इसकी वैल्यू। सर पॉइंट लगा इसमें, दिख नहीं रहा है कहाँ कहाँ पॉइंट लगा है। पॉइंट नहीं है, पॉइंट कोई नहीं है, पॉइंट कहीं नहीं है ठीक है, मेरा पॉइंट पॉइंट नहीं है, अगर बिंदी आपको कहीं दिख रही होगी तो वो छूट गया है मिटाने में, तो होगा ठीक है, पॉइंट कहीं नहीं है। सर 98 76 0 98 76 0 ठीक, हाँ बिल्कुल 98 76 0। और देख लीजिए सब लोगों का फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, 98 76 0 जी सर, जी सर यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। अब वो करना क्या जी? है एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 3 4 5 4 5 840 जी 40 ठीक, चार बचा, यहाँ ऐसे कर लेते, अब 8 4 को होंगे, 8 4 32 36 यानी कि अब 3, अब 8 3 को होंगे तो 8 3 24 और 3 24 27 तो 2 बचा, अब 8 2 को होंगे तो 8 2 16 16 2 18 अब 1 बचा होगा, अब 8 अकेला होगा ठीक है, 8 और 1 9 बस हो गया, बहुत आसान है। और एक और ऐसा ही सवाल एक और है, उसको देखते हैं। चलिए जोड़ घटाना आपका सही है ठीक है, अब जो हम कैलकुलेशन लेंगे, आज तो जोड़े घटाना रहेगा, कल हम भाग भी देखेंगे ठीक है, कि भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, यानी कि जो भाग में रहेंगे उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे फिर उनको घटाएंगे ठीक है, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 और ये भी 4 टाइम कर लीजिए ठीक है, और 5 टाइम भी कर लीजिए, कितने हो गए, 1 2 3 इसमें 4 है ना, इसमें 5 कर लीजिए, कितने हो गए, 5 नहीं हुए, एक दो 49 380 हाँ ठीक है, कितना आ गया,
बिल्कुल 49380 49380। हाँ ठीक है, देखिए कैलकुलेशन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक दशमलव में है उसको ऐड कर लीजिए, कहा गया 49380 आसान है जी सर। जी सर एक सवाल और देखेंगे, देखिए बहुत आसान है, इसमें दशमलव लगेगा 0.6665 है और प्लस 0.4 times 6 है और इसके बाद फिर 0.3 times 6 होगा, फिर इसमें जो होगा 0.2 times होगा 6 और फिर प्लस 0.6। अब इसकी वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। सर 3.25 बानवे थे, इसकी वैल्यू आ गई 3.25 3.25926 ठीक, सब लोगों का यही आया होगा जी सर। जी सर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है कैलकुलेशन सही है, इसका मतलब तो मैथ में हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। प्लस 0.77 प्लस ये सब आए हुए हैं कहीं ना कहीं, एक इधर नीचे लिख दे रहे हैं 5 times। अब आपको बताना है तो 3.8027 कितना आ गया, 3.8027 जी, 3.8027 जी सर। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब जोड़ आप लोगों का सही है। हाँ ठीक, जोड़ आप लोगों का सही है, ठीक है जो भी आप सही है, जोड़ घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट दे दे चाहे जैसे भी दे दे, आप लोगों को ऐसे ही हल करना है, ठीक है। अब हम लोगों को जो है, अब जो जो भिन्न में आता है सवाल उसको जो जोड़ना होता है, सवाल यहीं से बनता है भिन्न वाले से, ठीक है। इससे तो कभी कभी ये पॉइंट वाला देता है जो अभी लिखे हैं, कभी कभी दे देता है आपसे, जो है भिन्न वाला ज़्यादा देता है, भिन्न को जोड़ना भिन्न को घटाना ये ज़्यादा प्रश्न बनता है, ठीक है। इस पर हम कुछ चर्चा कल करेंगे, जो भिन्न वाले हैं इस पर चर्चा कल किया जाएगा, ठीक है जी। इस पर जो चर्चा है वो कल किया जाएगा, आज जो है थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, एक और जो हम लोगों का सब्जेक्ट इसमें रहेगा हेड रहेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम कहेंगे राजव्यवस्था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है और बाकी करंट से बनता है, इतिहास इतिहास से भी कभी कभी बना देते हैं। तो हमारा जो है राजव्यवस्था, आखिर हमको संविधान क्यों बनाना पड़ा, क्यों हमको राज की व्यवस्था राजव्यवस्था लागू क्यों करना पड़ा, क्या जरूरत थी, देश आजाद था हम लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं सब जीते खाते, लेकिन वो देखा गया कि पहले जब राजव्यवस्था नहीं थी तो बड़ी समस्या हुई, बाहर के लोग आकर के हम लोगों पे आक्रमण किए और पूरा आराम से जैसे मन के वैसे सब लोग क्यों कर लिए, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं छिटपुट छिटपुट रहते थे, कोई अपने वो अपना मान्य रखता था, वो अपना रखता था, वो अपना रखता था, यानी कि इसी देश में लोगों को केवल छोटे से एरिया में ही संतुष्टि थी कि हम बस इतने में हैं, आपका जाए जहाँ जाए तहाँ जाए, जो लूटे जो मारे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए राजव्यवस्था बनाना यानी संविधान का गठन करना बहुत जरूरी हो गया था। तो पहले हमको वो जानना है कि आखिर ऐसी ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी, तो 60 काट में हम लोग ज़्यादा वो नहीं चलेंगे कि नहीं डीपली पूरा चलेंगे, ठीक है डीपली नहीं, लेकिन फिर भी जानते हुए चलेंगे कि कब कौन सी स्थिति बनी थी, ठीक है क्या स्थिति बनी, ताकि जब हम संविधान पढ़ेंगे तो आएगा कि इगहामा अनुसूची में ये चीज़ें हैं, जैसे आपको देखेंगे ना सातवां जो अनुसूची हमारी है
आसान स्थिति करें अनुच्छेद है सातवां, उसमें रूल ये बताया गया है कि नागरिकता को लेकर के है, देखेंगे नागरिकता है, उसमें जो जो भारत में जो व्यक्ति था वो चला गया पाकिस्तान, जो नागरिकता का मतलब समझ रहे हैं ना, भारत का आप भारत के हैं कि नहीं है, ये नागरिक अगर आपको नागरिकता दी जाएगी तभी आप क्लियर होगा कि नहीं आप भारत के नागरिक है। जब भारत का नागरिक हो गए हैं तो आप भारत में सरकारी या प्राइवेट जो भी वर्क करना चाहेंगे, जहाँ भी किसी भी विभाग में किसी भी अगर अगर मान लीजिए सदन हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे आप राज्यसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, कोई भी पद आप धारण तभी करेंगे जब आप यहाँ का नागरिक होंगे। क्योंकि क्योंकि इतने बड़े पद आपको दिया जाएगा, आप विदेश के हैं तो पता चले विदेश के हित में वर्क कर देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो, सकता है विदेश के हित में वर्क कर देंगे, जनता को आप धोखा दे देंगे, तो वो नागरिक यहीं का होना चाहिए और यहाँ की उसकी नागरिकता होनी चाहिए तभी उसको ये पद दिया जाएगा, ठीक है, तो ये नागरिकता होना जरूरी है। तो हम क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया में था, जब भारत विभाजन हुआ तो पूरा पहले तो पाकिस्तान और भारत दोनों सेम था, लेकिन जब विभाजन रेखा खींच दी गई तो बताया गया ये पाकिस्तान का हो गया और ये भारत का हो गया, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भाग करके जैसे बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में वो पड़ गए थे, वो भाग करके आ गए भारत में, और कुछ लोग भारत में थे वो पहले भाग गए पाकिस्तान में, भाग गए पाकिस्तान में, और कुछ लोग तो नहीं आए लेकिन कुछ लोग भागने के बाद फिर आ गए, फिर भारत में आ गए, तो जब जब यहाँ से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान रहना चाहिए लेकिन नहीं रहे, फिर वापस आ गए, तो इनको कैसे नागरिकता दिया जाए, तो रूल बनाया गया कि ऐसे लोगों को कैसे नागरिकता दिया जाए, जो विदेश से आ रहे हैं उनको आते तुरंत हम नागरिकता दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो समस्या हो जाएगी, ये पदवी पे धारण हो जाएगी, इनके मन में तो अभी अपने देश के प्रति प्रेम रहेगा, हो सकता है कुछ यहाँ ऐसी कुछ घटनाएं खड़ा कर दे या ऐसी कोई समस्या खड़ा कर दे जिससे देश खतरे में पड़ जाए, तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए एक रूल बनाया गया कि कैसे कैसे देंगे, तो नागरिकता देंगे, तो एक संविधान का गठन किया गया कि भाई आखिर कैसे हम देश को चलाएंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे कोई समस्या उठेगी तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे, और क्या रूल जो होगा, क्या रूल लगाया जाए जो सब लोग उसको फॉलो करें, सबके लिए समान होना चाहिए, तो इस सब चीजों के लिए एक रूल बनाना पड़ा और उसी रूल को हम संविधान कहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा देश चलता है, तो जो रूल बनाया गया वो रूल हमारा क्या है, संविधान है, बात समझ रहे हैं। तो पहले हम संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, पहले हम जानेंगे अपने इतिहास के बारे में, भारत था क्या, ठीक है, पहले भारत क्या था, कितना आजाद था, कितना स्वतंत्र था, कैसे 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 अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया, कितने लोग उसको लूटने आए, कैसे कैसे, तब संविधान की आवश्यकता तो बाद में पड़ी होगी ना, जब इतनी सारी चीजों को देखा व्यक्ति ने, देखने के बाद अनुभव किया कि यहाँ संविधान की जरूरत है, ठीक है। तो पहले तो आएगा बात, पहले बात आती है कि आखिर भारत भारत का नाम क्या था, भारत भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत पहले तो ये जरूरी है कि भारत नाम कैसे पड़ गया, तो बताया जाता है कि कई स्टोरी लोग बताते हैं कि भारत नाम पड़ने के कई स्टोरी है, जैसे महाभारत में कथा है, महाभारत में कथा है दुष्यंत दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला को लेकर के, तो इन दोनों के जो एक संतान है, इन दोनों से एक संतान उत्पन्न हुई जो राजा बना जिसका नाम था भरत, तो बताया जाता है इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ गया, बात समझ गया, यानी महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का से उत्पन्न, दुष्यंत राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न संतान जिसका नाम भारत है, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, और भी कई तरीके के लोग बताते हैं, तो जिसमें से सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है, ठीक है, कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र है, उत्पन्न जो संतान है, जो महाराजा बना, उसी के नाम पर हमारा देश का नाम जो है भारत पड़ गया, ठीक है। कुछ लोग इसको इंडिया कह दिए, इसको इंडिया भी कह दिए, इसको क्या कह दिए, इंडिया, इंडिया किसने कहा, इंडिया किसने कहा, अंग्रेजों ने कह दिया, हिंदुस्तान किसने कहा, हिंदुस्तान भी किसी ने कहा होगा,
हिंदुस्तान जो है यूनानी आए थे, ठीक है, यूनानी आए तो उन्होंने जो है सिंध 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 वो कहते थे, सिंध नदी है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी जी। तो सिंधु नदी को वो क्या कहते थे, हिंदू कहते थे, ठीक है, और वहां के जो लोग है, जो प्रदेश है, उसको सिंध कहा जाता है, उसे क्या कहा, सिंधु नदी की वजह से सिंध कहा जाता है, तो वो हिंद कहते थे, हिंद, और सिंधु को हिंदू कहते, स को स नहीं, उच्चारण का गड़बड़ था, वो स को हा बोलते थे, ठीक है, तो सिंधु को हिंदू, सिंधु को हिंद, ठीक, तो वो उन्हीं की देन है, कौन चीज की, यूनानियों की देन है, अरबी फारसी, जो फारसी के लोग थे, यूनानी मतलब फारसी, ठीक है, ईरान देश से कौन आया था, फारस के लोग आए थे, उसको फारसी भी बोलते हैं, तो वो लोग आए थे, उन्होंने इस भाषा को क्या कर दिया, सिंध को हिंद कहने लगे, तो यहीं से हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, हिंदू कह दिया इन लोगों ने, तो यूनानियों की देन है हिंदू, इंडिया, इंडिया अंग्रेजों की देन है, इंडिया अंग्रेजों की देन है, और चीन क्या कहता है, चीन जो है भारत के लिए एक शब्द बनाया, तो कहता है सेंतु, चीन क्या कहता है, चीन की अजब गजब भाषा होती है ये, इसने क्या कहा, सेंतु कहा, ठीक है, भारत के लिए एक शब्द, नया शब्द का उत्पन्न किया अपने लैंग्वेज में, चाइनीज में, सेंतु नाम दिया, ठीक है, भारत को भारत न कह करके सेंतु नाम दिया इसने, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, अंग्रेज आए तो इंडिया कह दिए, फारस से यूनानी आए तो हिंद कहने लगे, हिंदुस्तान कह दिए, ठीक है, और चीन जो है इसको सेंतु कहने लगे, तो इस टाइप से नाम दे दिए गए। कुछ और इतिहास इसके बारे में, भारत के बारे में, भारत जो है, भारत का जब हम इतिहास देखते हैं तो इतिहास तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी से हिस्ट्री है, उसी से हम लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री किससे बना है, तो हिस्ट्री अंग्रेजी का शब्द नहीं है, मतलब अंग्रेजी का शब्द है लेकिन वो बना अंग्रेजी से नहीं है, ठीक है, वो बना किससे है, यूनानी के शब्द, यूनानी भाषा का जो शब्द है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से बना है, हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना, तो अंग्रेजी में हिस्ट्री बना और हिस्ट्री से हम इतिहास बना लिए, ठीक है, हिंदी वाले इतिहास कहाँ से बनाए, अंग्रेजी से बना लिए, लेकिन वो मूल कहाँ से आया, तो यूनानियों से आया, हिस्टोरिया से, ठीक है। इसके अतीत की अगर हम बात करें, इसके अतीत की बात करें, तो इसका अतीत को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो अतीत के जो हम यहाँ से बीत गया उसको हम इतिहास बोलते हैं या अतीत बोलते हैं, उसको हम दो तीन भागों में बांट लिए पढ़ने के हिसाब से, ठीक है, तो हमने दो तीन खंडों में इसको बांट लिया। कैसे बांट लिया, तो एक ऐसा भाग बनाया जो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, एक तो वो घटना है, वो भी इतिहास है, अतीत है हमारा, और एक तो लिखा हुआ मिलता है लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते, वो किस भाषा में उन लोगों ने लिख दिया, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं, एक खंड ये भी हो गया, ये भी हमारा इतिहास है, ऐसा इतिहास है कि हम उसको पढ़ ही नहीं पाते, लिखा लिखा तो मिलता है लेकिन पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और एक इतिहास जिसको हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ लेते हैं, भली भांति समझ लेते हैं, तो हमने तीन खंड बनाया, ठीक है, हम अपने इतिहास को कितने भागों में बांट दिए, तीन भागों में बांटा हमने इतिहास की घटनाओं को, यानी अतीत को तीन भागों में बांटा। पहला भाग को हमने क्या नाम दिया, पहला भाग को हमने क्या नाम दिया, अब देखेंगे पहले भाग को हमने क्या नाम दिया, ये प्रश्न बनता है, इसको आपको जानना है, ये भी बनता है हिंदू किसने नाम दिया, हिंदुस्तान नाम किसने दिया, इंडिया नाम किसने दिया, ये भी बनता है, ठीक है, तो ये भी आपको जानते रहना है। दूसरा, हम बांटे इतिहास को, जो बांटे बंटवारा किए या वर्गीकृत किए, तो कौन कौन सा वो तीन भाग है जिसमें हम उसको वर्गीकृत किए हैं, ठीक है, तो इतिहास, इतिहास को जो है हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो है प्रागैतिहासिक, आप सुने होंगे, ठीक है, या प्राक इतिहास कह सकते हैं, प्राक भी कह सकते हैं, प्राक भी कहेंगे तो चलेगा, ठीक है, प्राक इतिहास, ठीक है, और दूसरा
दूसरा होगा जो है जिसके बारे में सब कुछ लिखा लिखा मिल जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में सब कुछ लिखा लिखा मिल जा रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम अध कहते हैं। अध इसकी विशेषता हम बता रहे हैं, अभी इसको लिख लीजिए। अच्छा था क्या कहेंगे, चौथा क्या कहेंगे, जिसका हम जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं, हमको पता है बिल्कुल सही ढंग से, उसको यथार्थ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बनावटी नहीं है, ये तो हमको एकदम क्लियर पता है, ठीक है। यथार्थ इतिहास, इसको देखो प्रागैतिहासिक भी कह सकता है, पहले वाले को जो प्राक इतिहास लिखे हैं तो प्रागैतिहासिक भी कह सकता है, ठीक है। तो इसका प्राक इतिहास का मतलब क्या होगा, इसको कोष्टक में यहाँ लिख लीजिए, कोष्टक में करके यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा इतिहास, ठीक है, या ऐसा इतिहास, ऐसी घटनाएं या इतिहास की ऐसी घटनाएं जिसका विवरण, जिसका विवरण हमें ज्ञात नहीं है, यानी कि कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, यह इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, बात समझ गए, यह लिखित रूप से प्राप्त नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं कि यह लिखित रूप से प्राप्त नहीं है। और इसमें क्या लिखेंगे, अद इतिहास में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध है, लिखित रूप में क्या है, उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, या लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात उपलब्ध तो है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, उनकी भाषा ही ऐसी थी उस समय की, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता की भाषा हमको पता है, लिखा हुआ सब कुछ मिलता है लेकिन उसकी भाषा को हम पढ़ नहीं पाते हैं, बात समझ गए, समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है। और यथार्थ इतिहास में इसका लिखेंगे, इसका लिखित विवरण भी प्राप्त है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं, इसको समझ भी लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, प्राक इतिहास में कौन सा आएगा, हाँ इसमें इसमें तो आप समझ ही गए, इतिहास जहाँ से हम लिखा लिखाया मिलता है हमको, जहाँ से जैसे हरियक वंश से हमको मिलता है ना, लिखा लिखाया मिलता है हरियक वंश से, ठीक है, तो हरियक वंश के यहाँ से शुरू होता है, पूरा एकदम लिखा लिखाया मिलता है हमको, लेकिन सिंधु सभ्यता का लिखा लिखाया मिलता है लेकिन समझ ही नहीं पाते, वो भी लिखा लिखाया लेकिन नहीं समझ पाते, वो अध इतिहास में आता है। प्राक इतिहास में लिखा लिखाया कुछ नहीं मिलता है, विवरण ही नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं पाषाण काल, पाषाण काल इसी में आता है, पहला वाला में लिख सकते हैं पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल, और क्या आएगा, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल और ताम्र, ताम्र, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल, तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल किस में आता है, प्राक ऐतिहासिक में, ठीक है, जिसका लिखित विवरण कुछ नहीं पता है। अद इतिहास में इसका लिखित प्राप्त है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, असमर्थ है पढ़ने में, इसमें इसका लिखा हुआ मिलता है और हम पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, किसमें, यथार्थ वाले में, ठीक है, यही तीन इतिहास है, बात समझ गया, यहाँ से हमसे कोई मतलब नहीं है, संविधान से, यहाँ से संविधान बनाने में यहाँ से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब इसी से है, तीसरे वाले से ही मतलब है, बात समझ गए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, संविधान से, संविधान बनाने से यहीं से मतलब है, क्योंकि लिखा लिखाया जहां से मिलेगा वहीं से तो समझेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, तो संविधान हमारा जो प्रभावित है, संविधान हमारा जो प्रभावित है वो किससे है, तो तीसरे वाले से है, ठीक है, तीसरे वाले से हमारा संविधान क्या है, प्रभावित है। अब इसको बांटते हैं, तीसरे वाले को भी तीन खंडों में बांट लेते हैं,
ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तीसरे वाले को जो है भी तीन खंडों में बांटते हैं, वो कौन कौन सा खंड है ये भी जान लें कि तीसरे वाले को किन तीन खंडों में। पहला दूसरा को हमको नहीं देखना है, वो तो इतिहास में हमको पढ़ना है, ठीक है, या नहीं पढ़ना है। तो जो हम तीसरा खंड किए थे, तीसरा खंड हमारा यथार्थ था, यथार्थ इतिहास, ठीक है, जो हमने ये लिखा था, इसको भी हमने तीन भागों में बांट लिया। पहला क्या है, पहला जो हमने भाग किया था प्राचीन, प्राचीन इतिहास, आपने क्या लिखा, प्राचीन इतिहास, यहीं से हमको लिखित विवरण भी मिलता है, ठीक है, यहीं से लिखा हुआ मिलता है, इससे वो दोनों तो कुछ नहीं समझ में नहीं आते हैं, यही से हमको मिलता है यथार्थ इतिहास से। तो पहला इसका भाग है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या है, दूसरा मध्यकालीन, दूसरा इतिहास कौन सा आएगा हमारा, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा क्या आएगा, आधुनिक आ जाएगा, आधुनिक इतिहास। तो देखिए यथार्थ इतिहास को भी हम तीन भागों में बांट लेते हैं, प्राचीन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो जो हमने वो दो पढ़ा था वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, कभी कभी बना लेते हैं, और प्राचीन से भी हमारा ज्यादा नहीं बनता है, मध्यकालीन से भी ज्यादा नहीं बनता है। हमारा जो प्रश्न बनेगा कुछ थोड़ा मध्यकालीन से भी बनेगा, यहाँ से ज्यादा बनता है, ठीक है, आधुनिक वाला से हमारा जो प्रश्न है वो ज्यादा बनता है, बात समझ गए, ये वाला आधुनिक से हमारा जो प्रश्न है वो ज्यादा बनता है। मध्यकालीन ये जो मुगल जो मुस्लिम शासन है इससे जुड़ा हुआ है मध्यकालीन, और आधुनिक वाला किससे है, ये अंग्रेजों से है, ठीक है, जब अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं उसके बाद आधुनिक हो जाता है, ठीक है। और प्राचीन, प्राचीन जब मुसलमान नहीं आए थे, आए होते हैं वो प्राचीन है, ठीक है, जब मुसलमान नहीं आए होते हैं तब का है। और मध्यकालीन जब मुसलमान की एंट्री हो जाती है, ठीक है, मुस्लिम राज्य की, मुस्लिम जो राजा है वो आक्रमण जब करते हैं तब मध्यकालीन शुरू हो जाता है, ठीक है, और उससे पहले जब तक आक्रमण नहीं करते हम उसको प्राचीन में रखते हैं, जब वो आक्रमण कर देते हैं मुस्लिम तो हम मध्यकालीन उसको कहते हैं, और फिर जब अंग्रेज आ जाते हैं तब हम वहां से आधुनिक ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये तीन पाठ हमारे हो गए। तो अब चलते हैं कौन कौन सा राजा था, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहले कौन सा, हम यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, प्राक ऐतिहासिक नहीं पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा संविधान यहीं से प्रभावित है, तो हम प्राचीन में कौन कौन से राजा थे उसको थोड़ा देखेंगे, मध्यकालीन में कौन कौन से थे उनको देखते हैं, आधुनिक में कौन कौन से राजा है पहले इनका परिचय लेते हुए चलेंगे, ठीक है, पढ़ना कुछ नहीं है, थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो हम चलते हैं प्राचीन के हिसाब से, प्राचीन तो सबसे पहले प्राचीन ही आएगा ना, सबसे पहले तो प्राचीन ही आएगा जी। उसमें राजा कौन था और कौन सा वंश था और कौन सा राजा था, तो सबसे पहला जो वंश आया था हर्यक वंश, ठीक है, कौन सा वंश आया था सबसे पहले प्राचीन में, सबसे पहले जो वंश हमारे भारत में जो है जन्म लिया उस वंश का नाम था हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। और इसको बताया जाता है कि इसकी जो इसका जो समय है, समय बताया जाता है कि 544 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व, क्या लिखेंगे, ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, मतलब ये होगा कि जो हर्यक वंश है वो जब शताब्दी हमारा एक शुरू हुआ ना, एक सन एक सन दो सन तीन,
उससे 544 वर्ष पहले। बात समझ गए? जब हम जहां से सन गिनना शुरू किए उससे 544 वर्ष पहले हर्यक वंश जन्म लिया, उदय हुआ, ठीक है, और 460 ईस्वी पूर्व तक रहा लगभग 100 वर्ष, ठीक है, तो लगभग 100 वर्ष के करीबन ये रहा। और हर्यक वंश की स्थापना किसने किया, कौन राजा था इसका पाला जो जिसने हर्यक वंश की स्थापना किया? बिंबिसार। तो कौन लगाएंगे? बिंबिसार, ठीक। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का पहला राजा या संस्थापक कहेंगे उसे, हर्यक वंश यानी कोई वंश का जो पहला राजा होता है उसको हम संस्थापक कह लेते हैं, ठीक है, याद रखना संस्थापक। यानी जैसे कहते हैं ना कि नाथ पंथ का संस्थापक कौन था, तो कहते हैं गोरखनाथ, ठीक है, यानी गोरखनाथ उसको मजबूती प्रदान किए, उसकी स्थापना की। तो यहाँ हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार ने किया, ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार ने किया। अब कहाँ किया ये, जब किया हर्यक वंश की जब स्थापना किया यानी राजा बना, तो किसी को अपनी राजधानी बनाया होगा, तो ये तो इसका संस्थापक है, लिख लीजिए हर्यक वंश, ये वंश हो गया, और इसकी स्थापना किया बिंबिसार ने, ठीक जी। और राजधानी कहाँ बनाया, राजधानी कहाँ बनाया पूछ लेता, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, या ये प्रश्न बनता है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, प्रश्न ऐसे ही घुमा के बनाएगा, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, दूसरा प्रश्न बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, राजगृह, राजगृह काम आप पाटलिपुत्र भी बता सकते हैं, क्योंकि बाद में जो है, बाद में जो है अजातशत्रु आता है इसी में ना, उदयन अजातशत्रु, हाँ उदयन भी आता है, अजातशत्रु आता है, इसी में आते हैं, तो वो लोग जो है राजगिरी से फिर पाटलिपुत्र राजधानी बना देते हैं। लेकिन बिंबिसार अगर पूछे कि बिंबिसार कहाँ बनाया था अपनी राजधानी, तो आपको बताना है राजगिरी में, ठीक है, राजगिरी। और बाद में जो है इसके जो पुत्र वगैरह जो आते हैं वो क्या बना देते हैं, पाटलिपुत्र कर देते हैं राजधानी को, ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना हुई, तो अगर सब नहीं जानते हैं वो कोई बात नहीं है, इतना आपको पता रहेगा कि हर्यक वंश की जो संस्थापक है वो बिंबिसार है, और राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजगिरी और पाटलिपुत्र बिहार में है। अब देखेंगे, अब इसके बाद दूसरा आता है, ये पहला है, इसको एक नंबर पे लिख लीजिए, सबसे पहले ये आया था, दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा वंश आया हमारा, दूसरा कौन सा वंश आया, नंद वंश, नहीं सोचिए कौन सा आया, जो दूसरा आया शिशु नाग वंश, कौन सा वंश आया, शिशु नाग वंश, ठीक है, शिशु नाग वंश आया। ये कब आया, तो जब वो समाप्त हुआ 460, ठीक है, 460 में समाप्त हुआ, तो 460 में ये आ गया, ठीक है, मतलब कि कोई खड़ा हुआ और उसके राजा को जो है वो राजा कमजोर पड़ गया होगा, ठीक है, तो बिंबिसार नहीं है, देखिए बिंबिसार उतना दिन तक राजा रहेगा, अरे ये 5 साल 6 साल 10 साल राजा रहे होंगे, फिर इनका पुत्र आया होगा, फिर उनका पुत्र आया होगा, फिर उनका पुत्र आया होगा, तो वो मान लो अत्याचार जब फैला होगा तो कोई उसी में का सेनापति या कोई भी खड़ा हुआ होगा जो मजबूत रहा होगा मार दिया होगा, ठीक है, और मार करके अपने राजा बन गया, तो इसमें शिशुनाग आया था, ठीक है, शिशुनाग एक व्यक्ति था जो उनका साथ सेनापति उसी में था, सेनापति शायद कहा जाता है, तो उसकी स्थिति हम बाद में देखेंगे कि क्या था। तो जब शिशुनाग आया तो वो क्या करता है, हत्या कर देता है, ठीक, लड़ाई कर देता है और उसको मार देता है, मारने के बाद जो है अपने राजा पर राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो जब राजगद्दी पे बैठता है तो ये जिस वंश का रहेगा उसी वंश को अब कहेंगे, ये शिशुनाग वंश का था, ठीक है, नाम भी इसका शिशुनाग था।
अब ये आया तो इसी के नाम पर ये वंश को रख दिया गया है, ठीक है, इसी के नाम पर अब वंश चलने लगा, यानी शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो ये शुरू हो जाता है 460 से 397 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व, ये भी पूर्व में चलेगा, ठीक है, ईस्वी पूर्व। तो ये 460 से 397 ये दूसरा है शिशुनाग वंश। इसकी इसका संस्थापक किसने किया, यानी संस्थापक कौन है शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग ही है, ठीक है, कौन है, शिशुनाग, नाम भी इसका शिशुनाग ही है। इसने इसकी क्या किया, स्थापना किया, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया प्रश्न बन जाता है। हर्यक वंश की किसने किया, तो बिंबिसार कहेंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, तो शिशुनाग बताएंगे, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो आपको बताना है राजगिरी, राजगिरी, इसकी भी राजधानी कहाँ है, राजगिरी, ठीक है। तो राजगिरी करेंगे। अगला जो आता है तीसरे नंबर पे, वो नंद आते हैं। नंद के बारे में आपको पता ही होगा अच्छे खासे, नंद वंश आते हैं, ठीक है, नंद वंश आता है। तो इसका अंतिम जो राजा है वो कौन था, घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन, घनानंद, ठीक, घनानंद। तो हमको नहीं मतलब है, पहले वाले से मतलब है, पहला कौन था, महापद्मानंद। हाँ, महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद, वो इसका स्थापना किया था, ठीक है। तो तीसरे वाले के बारे में देखेंगे, तीसरे वाले के बारे में देखिए, आता है नंदवन। और ये आता है 397 के बाद आएगा। अब महापद्मनंद जो है शिशुनाग, शिशुनाग को हरा देते हैं, ठीक है, और हराने के बाद अपने गद्दी पर बैठ जाते हैं। जब अपने गद्दी पर बैठते हैं, जब अपने गद्दी पर बैठते हैं, तो अब इनके हिसाब से वंश इनके नाम पे रख दिया जाता है, यानी नंद, तो नंद वंश रख दिया जाता है, ठीक है। अब ये 397 में आते हैं, 397 में रहते कब तक है, 322 तक, पूर्व लगाएंगे अभी, ठीक है, पूर्व लगाएंगे 322 ईस्वी पूर्व तक। संस्थापक कौन हुआ, संस्थापक इसका कौन हुआ, नंद वंश का, महापद्मनंद, ठीक है, इसको ऊपर ही कर दीजिए, बेटर माना जाता है, इसको ऊपर ही लिखना, बिंदी लगा देना, ठीक है। तो महापद्मनंद, ठीक है, और राजधानी इनकी कहाँ होगी, राजधानी इनकी होगी पाटलिपुत्र, ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ होगी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, इनकी जो राजधानी होगी वो पाटलिपुत्र बनेगी, ठीक है। तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया, यानी शिशुनाग वंश में जो भी रहे होंगे, जो राजा रहेंगे, उनको हरा दिया, ठीक है, यानी शिशुनाग वंश को हरा दिया, कौन, महापद्मनंद ने, जब हराया तो नंद वंश की स्थापना की, ठीक है, और राजधानी बनाए पाटलिपुत्र को, ठीक है। इससे पहले राजगिरी थी, अब इनको कौन हराया, अब इसमें आपको पता है कि घनानंद थे लास्ट वाले, महापद्मनंद के बाद कोई राजा बना, कोई राजा बना, लास्ट वाले जो है घनानंद बने थे, ठीक है, उनको किसने हराया, तो घनानंद को किसी ने हरा दिया था, तो मौर्य, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, किसने हरवाया था, आप जानते होंगे, चाणक्य का नाम सुने होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको क्या कर देता है, घनानंद को हरा देता है, और घनानंद को हराता है तो नंद वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, 322 ईस्वी में ये समाप्त हो जाता है नंद वंश, ठीक है।
तो कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तो कौन सा वंश आएगा? इन्हीं के नाम पर एक वंश आता है, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश आ जाएगा। तो चौथा नंबर पे हमारा जो है वो मौर्य वंश बनेगा। इसको देखिए, मौर्य वंश। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? मौर्य वंश। यहाँ क्या आया? मौर्य वंश आया। अब कब आएगा? तो 322 में आ रहा है तो 322 में ही आ जाएंगे। और रहे कब तक? कब तक रहे? 184 ईस्वी पूर्व, 184 ईस्वी पूर्व ही लिखेंगे आप। ठीक है, 322 से 184 ईस्वी पूर्व तक ये रहे। इसी में चंद अशोक भी आएंगे। ठीक है, मौर्य वंश में क्या आएगा? अशोक आएंगे। तो मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ये इसका इसकी स्थापना किया, यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कहाँ राजधानी बनाया? 11 बज गया, लास्ट कल देखेंगे इसके बाद। हाँ, राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। हाँ बिल्कुल, पाटलिपुत्र। इनकी भी राजधानी रही पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ही चलेगी कुछ देर तक, अभी फिर थोड़ा सा बदलेगा और लास्ट में दिल्ली पहुंचेगी। ठीक है, जब अंग्रेज आएंगे तब दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली अंग्रेज लेकर चलेंगे। ठीक है, जब अंग्रेज आएंगे तो दिल्ली लेकर जाएंगे राजधानी को। ठीक है, अभी तो इधर ही इधर उधर रहेगी। तो ये देखिए पाटलिपुत्र, इनकी राजधानी कहाँ रही? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो हमने चार राजवंशों को देखा। पहले थे हरियक वंश, दूसरे शिशुनाग वंश, तीसरे नंद वंश, चौथे मौर्य वंश। अगर प्रश्न बने हरियक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब देखिए बिंबिसार, एक और चीज देखा देते हैं। हाँ ठीक है, एक और चीज देखिए, एक बिंदुसार भी आता है। अशोक के पिताजी मौर्य वंश। बिंदुसार है, ये बिंबिसार है जी। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान नहीं देंगे तो आप गलती कर देंगे। ये बिंदुसार मौर्य वंश में है और ये हरियक वंश का संस्थापक। ठीक है, हरियक वंश का, ये हरियक वंश का संस्थापक है। और ये मौर्य वंश में आता है, मौर्य वंश में राजा है। ठीक है, और इसी का पुत्र अशोक भी है। तो चलिए अब यहीं पे क्लास को हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, कल सुबह। ठीक है, याद है ना टाइम? टाइम तो याद होगा, 4 से 6। हाँ सर याद है, सुबह 4 से 6। ठीक है, 4 से 6।